बीटेट अभ्यर्थी का आज धरना का बढ़ावा दिन है, लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल विधानसभा सत्र का प्रथम दिन भी था, क्या इस सवाल को लेकर, बीटेट के मुद्दे को लेकर क्या चर्चा चल रहा है? चलिए ये बात करते हैं। विधानसभा तो हुआ ही नहीं, स्थगित हो गया सोमवार तक के लिए, कुछ हुआ ही नहीं विधानसभा में। विधानसभा हो हंगामा हुआ, विधानसभा स्थगित कर दिया गया। तो होता ही है। हाँ तो मुद्दा विधानसभा चलेगा तब ना मुद्दा उठेगा। विधानसभा स्थगित हो गया तो विधानसभा चलेगा तो ना मुद्दा उठेगा। अब मंडे को होगा फिर मुद्दा उठेगा। हाँ बा क्या लग रहा है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिर जाएंगे, फिर हम लोग की मुद्दा उठाया जाएगा। अब मुद्दा जब तक माना नहीं जाएगा तब तक आते रहेंगे जाते रहेंगे। खुट्टा गाड़ दिए, जब तक बोलेगा नहीं तब तक उखाड़ेंगे नहीं तंबू। हाँ खुट्टा गाड़ दिए हैं, जब तक कह देगा कि हाँ लेंगे तभी उखड़ेगा। नहीं वही लग रहा जो ये बोले, विधानसभा में तो बात उठी चुकी है, बीटेट तो होना तय है। हम कल ही बताए थे कि सेवन सरकार नोटिफिकेशन रुकने वाला है। अरे दिन हुआ, कैसे सरकार तक पहुँचाइएगा? सरकार तक तो बात पहुँच चुकी है, सरकार तक बात पहुँच चुकी है। सरकार भले हल्का सा सोए हुए है लेकिन जग जाएगी। एक दो दिन का और बात है, आप देख रहे हैं संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शिक्षा मंत्री ही बोले थे कि दबाव में हम लोग काम कर रहे हैं, तो दबाव बनाने के लिए आप देख रहे हैं अलग अलग जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं, हम लोग भी दबाव बना लेंगे, काम हो जाएगा। और सातवां चरण वाले बोल रहे हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन फंसाओ गएंगे। नोटिफिकेशन फंसा, हम सातवां फेज को रोकने की बात कहाँ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात हो रही है, ऐसा किसी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप नोटिफिकेशन फंसाओ गएंगे। हम उनको कहें कि वो एक बार छंट चुके हैं तो फिर वहाँ किस ले जा रहे हैं, छठा चरण वो लोग छंट चुके हैं तो फिर क्या उनमें गुणवत्ता फिर आ गई साल भर में? गलती उन लोगों की, अपनी गलती नहीं दिख रही है। और कल ही हम लोग वहाँ थे सचिवालय में, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उनका नोटिफिकेशन अगर आने वाला है ही तो हम लोग से इतना डर क्यों रहे हैं? उन लोगों से मेरा ये भी सवाल है। इल्जाम लगा कि आप लोग चंदा चोर हैं। अब बोलने वाले को भगवान मुंह दिए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चंदा चोरी कहाँ से हम किए, उन्हीं लोग से पूछ रहे हैं जो भी हम लोग यहाँ आप लोग देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि चंदा लेकर कोई घर पर बैठा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष भी लगभग रोज आंदोलन में है ही, सचिव भी है ही, यहाँ जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं सारा सुख सुविधा लोगों को दिया जा ही रहा है, तो फिर चंदा चोरी का बात उठता कहाँ से है? तो अच्छा सातवें चरण में लगा किस से रहे पॉपुलरिटी के लिए क्या ये? हाँ, जो सातवें चरण के अभ्यर्थी हैं वो पॉपुलरिटी के लिए कुछ ही बोल रहे हैं जिससे कि हम लोग का न्यूज़ बन सके। अरे अगर आपके अंदर योग्यता रहती, आप छठे चरण में आपको नौकरी हो जाती, 50,000 सीट कैसे रह गया खाली? आप हमको बताइए ना, सिर्फ इतना बताए, उससे पूछिए कि 50,000 सीट कैसे खाली रह गया छठे चरण में? इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे? अगर हम लोग जब 2022 तक की रिक्तियाँ मांगी जा रही है, हम लोग क्या डिमांड है कि एक बार एग्जाम ले लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर क्षमता है सातवें चरण में आकर हम लोग के साथ एग्जाम में बैठ कर फाइट कर ले, अगर उसके अंदर इतनी क्षमता है तो क्यों डर रहा है एग्जाम से? क्या लग रहा है कि डर कहीं ना कहीं सेवन वाले में डर बना हुआ है? देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि सरकार ये चाह रही है कि सीटेट वाले को हम इस बार सेवन फेज में ले लें। अगर सीटेट बिहार में वैलिड करना था तो सरकार को ये चीज़ पहले बताना था कि हम सीटेट के आधार पर ही नौकरी दे देंगे बिहार में। हम लोग तो जानते हैं कि बिहार का इतिहास, जब जब बिहार में वैकेंसी आई है शिक्षक की तो उससे पहले बीटेट हुआ है। हम लोग तो आश्वस्त थे कि बीटेट सरकार लेगी ही लेगी, लेकिन ये सरकार का इतना घिनौना खेल हम लोग नहीं समझे कि ये सेवन्थ फेज में सिर्फ सीटेट वाले को और जो पिछले वाला है। अब मान लीजिए सीटेट यदि बिहार में वैलिड करते हैं आप और सीटेट के आधार पर आप नौकरी देते हैं तो आप इस चीज़ को समझिए कि सीटेट केंद्र सरकार की और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग बिहार सरकार के विद्यालय में पढ़े हुए छात्र हैं। हम लोगों का जो स्टेटस है वो CBSE वाले के स्टेटस से हम लोग एकदम डाउन में हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था में आप CBSE के बराबर बिहार विद्यालय को बना रहे हैं तभी आप सीटेट को यहाँ पर वैलिड कीजिए, नहीं तो आप बिहार में बीटेट लीजिए। बिहार के छात्र जितने भी छात्र हैं वो एकदम सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी छात्र जीतन राम मांझी और लालू यादव और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्मित सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, और सरकारी विद्यालय का क्या हालात है ये आप और हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। सरकार आती है जाती है लेकिन सरकार को इस बार बीटेट करवाना होगा, चाहे जैसे भी सरकार करवाए। क्या लग रहा है अधिकार पर बढ़ावा देने धरना का?
क्या लगेगा आप तो देखिए रहे हैं। और इसमें हम यही कहना चाहेंगे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हम लोग 12वां दिन से आज कोशिश कर रहे हैं अभी तक। और हम हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।